मैं दावे से एक बात बोल सकता हूं कि हर स्टूडेंट के पास कम से कम 100 नंबर इंप्रूव करने का पूरा पूरा मौका है। वो अपना स्कोर 100 से इंप्रूव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ सकते हैं, जैसे अतुर नहीं कर सकता, जैसे आयुष्मान नहीं कर सकता, है ना, जैसे सुहास नहीं कर सकता, ईशान विपिन नहीं कर सकता, काव्या नहीं कर सकती, है ना, आकाश नहीं कर सकता। ऐसे मैं मानता हूं कि कुछ बच्चे नहीं कर सकते। अब अगर ये 100 का इंप्रूवमेंट कर लेंगे तो इनका तो स्कोर 400 के पार चला जाएगा ना भाई, वो तो जेईई मेन में पॉसिबल नहीं है, है ना। लेकिन ऐसे अगर कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ दिया जाए तो डेफिनेटली बाकी स्टूडेंट्स आप 100 का इंप्रूवमेंट अपने मार्क्स में जरूर कर सकते हैं। क्या करना होगा उस 100 मार्क्स के इंप्रूवमेंट को लाने के लिए, ये हम डिस्कस करेंगे। और उसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी, कैसे आप फोकस करेंगे, ये बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। ये स्टोरी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने जिंदगी में बहुत कुछ पाया। ये स्टोरी शुरू होती है 1936 में, यानी आज से लगभग 82 इयर्स पहले, 80 से भी ज्यादा साल पुरानी ये स्टोरी है। और इस स्टोरी का हीरो है कैरोली टेकॉक्स। कुछ बच्चों ने हो सकता है इसका नाम सुना हो। हंगेरी कंट्री का रहने वाला था कैरोली, और वहां की आर्मी में एक सोल्जर था, और ये बहुत जबरदस्त फाइटर था। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये आर्मी में काम करता था, बल्कि ये ट्रू सेंस में फाइटर था, बहुत जबरदस्त शूटर था। और दुनिया के उस दौर के जो बेहतरीन शूटर्स थे उनको भी ये मात देता था। इसका सपना था ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना। 1936 में ओलंपिक्स होने वाले थे, लेकिन अफसोस इसे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला। और उसका कारण था हंगेरी कंट्री का कानून। उस कानून के मुताबिक केवल और केवल वहां के ऑफिसर्स ही, जो आर्मी में ऑफिसर्स हैं, उसी रैंक के लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे ओलंपिक गेम्स में, लेकिन सोल्जर्स को, सार्जेंट्स को अलाउ नहीं किया जाता था। एंड ही वाज जस्ट अ सार्जेंट। नतीजा आप समझ सकते हैं, हंगेरी, जिनके पास दुनिया का बेस्ट शूटर था, वो ओलंपिक में शूटिंग कंपटीशन में, राइफल पिस्टल कंपटीशन में गोल्ड मेडल नहीं जीत सका। हंगामा हो गया देश में, मतलब एक अजीब सी लहर फैल गई कि ये क्या हुआ, बेस्ट शूटर होने के बाद भी हम वो काम नहीं कर सके। कानून बदला गया और उस नए कानून के मुताबिक अब इसको इजाजत थी कि सार्जेंट सोल्जर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसने पूरी तैयारियां चालू कर दी और अब इसका टारगेट हो गया 1940 में होने वाले ओलंपिक्स, कि मुझे अब 1940 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना ही है। 1938 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया, और उस वर्ल्ड वॉर की प्रिपरेशन के दौरान एक कैंप में ग्रेनेड फेंकते वक्त उसने राइट हैंड से अपना ग्रेनेड फेंका, ही वाज अ राइट हैंडर, और उसका राइट हैंड टूट गया। एक बार फिर से इस कहानी को सुनकर उसका राइट हैंड उड़ गया, ये सुनकर जिस तरह का सन्नाटा अभी आप सब लोगों के बीच में छा गया, ऐसा ही सन्नाटा उसकी जिंदगी में भी छा गया। ऐसा लगा कि अब क्या होगा, एक शूटर जो अपना राइट हैंड यूज करता है शूटिंग कंपटीशन में जाने के लिए, पिस्टल उठाने के लिए, उसका राइट हैंड उड़ गया। महीनों इलाज चला, अब उसके सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, दो ही विचार उसके दिमाग में आ रहे थे। एक तो ये कि वो हाथ जिसे वो खो चुका था उसके बारे में सोचता रहे और अपनी पूरी जिंदगी उसी गम में बिता दे, वो सपना जो उसने सोचा था उसको भूल जाए। और दूसरा रास्ता था कि वो जो खो चुका है उससे बाहर निकले, उसको भूले, और जो लेफ्ट हैंड अभी भी उसके पास है उस पर फोकस करे, उसे मजबूत करे, राइफल उठाने के लायक बनाए और फिर से मैदान में आ जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, उसने यही दूसरा रास्ता ही चुना। उसने सोचा, ये दिमाग मेरे पास है, ये आंखें मेरे पास हैं, वो हौसला, वो ताकत मेरे पास है जिससे मैंने इस राइट हैंड को इस काबिल बनाया था
कि ये दुनिया का बेस्ट शूटर का हैंड बन जाए, तो वो काम मैं इस लेफ्ट हैंड से भी कर सकता हूं। और उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया, कहीं चला गया, लगातार काम किया, अपने हाथ को मजबूत बनाया। क्योंकि आप समझ सकते हैं, जब आप राइफल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें, आपके राइट हैंड में अगर हल्का सा भी जर्क आ जाए तो निशाना चूक जाएगा। पहले उसने इसको मजबूत बनाया, ताकत दी, हौसला रखा और काम करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, सीखता रहा, जी तोड़ मेहनत की। लेकिन उसने अपना लक्ष्य नहीं बदला, और उसका लक्ष्य था 1940 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना। 1938 में हादसा हुआ, कुछ महीनों इलाज चला, उसके बाद लगातार प्रैक्टिस की, और 1939 में हंगेरी में नेशनल चैंपियनशिप होने जा रही थी, उस चैंपियनशिप में वो लोगों के सामने आया। लोग उसे देखकर चौंक गए, बड़े खुश हुए कि वाह, हौसला ये होता है। राइट हैंड उड़ गया जिस आदमी का, जो राइफल शूटिंग जैसे कॉम्पिटिशन से इतना लगाव रखता था, उसका राइट हैंड उड़ गया, लेकिन फिर भी आज वो इस मैदान में आया है, गेम से इतना लगाव है उसे, हौसला बढ़ाने के लिए उन शूटर्स का यहां आया है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूं। उसने पार्टिसिपेट किया, और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो नेशनल चैंपियनशिप हंगरी की उसने जीत ली और ओलंपिक्स का टिकट कटा लिया। पूरी दुनिया में एक अजीब सा संदेश गया, 1940 ओलंपिक्स उसका टारगेट था गोल्ड मेडल जीतना। लेकिन अफसोस, वो अपना ये सपना यहां पूरा नहीं कर सका, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के चलते 1940 ओलंपिक्स कैंसिल हो गए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सोच सकते हैं, ऐसा लगा एक बार उसे कि फिर से मेरे हाथ से मेरा सपना छूट गया। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसने अपना टारगेट बनाया 1944 ओलंपिक्स, हर चार साल के अंतराल पर ओलंपिक गेम्स होते हैं, 1940 कैंसिल हो गया, 1944 उसका टारगेट हो गया। मेहनत करता रहा, लगातार काम करता रहा, क्योंकि उसका सपना था 1944 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 1944 ओलंपिक्स में भी वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू यहां तक भी चला, और वर्ल्ड वॉर टू के चलते हुए 1944 ओलंपिक गेम्स भी कैंसिल हो गए। डियर स्टूडेंट्स, यहां भी उसने हार नहीं मानी, और अपने उस सपने को जिया, उसके लिए काम किया, लगातार करता रहा, छोड़ा नहीं उसने अपने इस सपने को। और अब उसने अपना पूरा फोकस लगा दिया 1948 ओलंपिक गेम्स पर, जमकर मेहनत करी, काम करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, सीखता रहा, समय के साथ आने वाले बदलावों को महसूस करता रहा। क्योंकि 1936 में वो अपने करियर के पीक पर था, 36 से 48 का दौर, नई टेक्नोलॉजीज आई, नया जमाना चेंज हुआ, नए नए शूटर्स आए, उनको उसने चेक किया, उनको उसने ट्रैक किया, लेकिन अपना सपना नहीं छोड़ा, और लेफ्ट हैंड के बलबूते पर, उसके दम पर लगातार काम करता रहा, और 1948 स्टूडेंट्स, आपको खुशी होगी कि यहां आकर नतीजा वही हुआ जो वो चाहता था, 1948 का ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल Karoly Takacs ने जीत लिया। और अब उसने अपना टारगेट बनाया 1952 ओलंपिक्स, 1952 ओलंपिक गेम्स, एक बार फिर से उस फील्ड में गया, 1952 ओलंपिक गेम्स में भी उसने गोल्ड मेडल जीता। आप सोचिए, एक शूटर जिसका राइट हैंड सब कुछ है, जिसका सपना उसके राइट हैंड पर टिका हुआ है, वो राइट हैंड उससे छीन लिया जाए, वो राइट हैंड उसका निकल जाए, लेकिन उसने सपना नहीं टूटने दिया, और अपने लेफ्ट हैंड को ये मजबूत बनाया। सारी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई, और दुनिया को एक ऐसी मिसाल उसने पेश की कि जिसे लोग अपाहिज समझते हैं, वास्तव में वो अपाहिज नहीं होता। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, अपाहिज इंसान अपने शारीरिक कमजोरियों से नहीं होता, बल्कि अपाहिज इंसान होता है अपने मानसिक कमजोरियों से।
अगर कोई ये सोच ले कि मैं ये नहीं कर सकता तो समझ लो सब कुछ होते हुए भी वो अपाहिज है, लेकिन अगर वो ये सोच ले कि मुझे ये करना ही है तो कुछ भी हो जाए लेकिन वो उसको हासिल करके ही रहता है। माय डियर स्टूडेंट्स, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। दिस इज अ फैक्ट, ये सच्चाई है। आप समझ सकते हैं कितना लंबा करियर उस स्पोर्ट्समैन ने जिया, 36 से लेकर 52 तक, लगभग 18 इयर्स। किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का करियर इतना लंबा नॉर्मली नहीं होता, लेकिन इतनी विकट परिस्थितियों में, इतने विषम परिस्थितियों में भी वो लगातार काम करता रहा और अपने करियर को, अपने सपने को बनाए रखा, और अंत में जीत उसी की हुई। सच्चाई है कि परेशानियां कितनी भी आ जाए, चाहे वो आपके लिए हो, किसी और के लिए हो, परेशानियां सबके सामने आती ही हैं। हमेशा टाइम एक सा नहीं होता, आप जो सोचते हैं हर बार वैसा हो जाए ऐसा नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली जो आप चाहते हैं उस लक्ष्य को पाने के लिए आप लगातार काम करते रहें तो टाइम जरूर आता है जब आप उसे हासिल कर ही लेते हैं। आसमां को जिद है अगर बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वही आशियां बनाने की। इस जुनून जो उसमें था, ये सुनून अगर आप पालें तो मुझे बताइए कि क्या आप 100 नंबर का इंक्रीमेंट अपने मार्क्स में नहीं ला सकते? बेशक ला सकते। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हम यही सीख रहे हैं, इस स्टोरी से यही सीख मिलती है कि परेशानियां कैसी भी हो, वक्त कैसा भी हो, लेकिन अगर वो हौसला आपके अंदर है, आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो ताकत है, काम करने की लगन है, तो आप डेफिनेटली उन विकट परिस्थितियों में भी अपने लिए रास्ता बना ही लेते हैं। आप देखिए, देश का कानून बदल गया, यानी कि उसके सपोर्ट के लिए सब कुछ उसको मिला, यहां तक कि उसकी मेहनत को देखकर ऊपर वाले ने भी उसको सपोर्ट किया। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, पूरी टीम करियर पॉइंट का, पूरी टीम आपके साथ है, और जिस तरह से टीम ने प्लानिंग की है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करते रहे तो डेफिनेटली आप अपना लक्ष्य हासिल करके रहेंगे, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि उसी तरीके से आप काम करेंगे तो हर स्टूडेंट अपने मार्क्स में 100 मार्क्स का इंक्रीमेंट जरूर ला सकता है। आज के इस सेमिनार में मैं आपसे जिन पॉइंट्स पर बात करने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने 100 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट ला सकते हैं, वो यही है जो आप देख रहे हैं। हम बात करेंगे जिन जिन पॉइंट्स पर, वो है अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ जेईई मेन,